हेलो फ्रेंड्स, बीएससी क्वेश्चन सॉल्व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है कि सैकरीन, सल्फा पिरिडीन, सल्फा थायजोल तथा सल्फा डाइएजिन तथा सल्फा निलेमाइड के संश्लेषण के बारे में हमें समझाना है। यह प्रश्न बीएससी के 2019 का प्रश्न है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रश्न है। आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सैकरीन का देखेंगे। सैकरीन जो होता है, यह एक कृत्रिम उर्वरक होता है जो कि सुक्रोज से 600 गुना अधिक मीठा होता है, और इसे हम शुगर के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जिन डायबिटीज मरीजों को शुगर खाने की मना होती है वो भी इसे इसका सेवन करके मीठे का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरी बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसके कारण यह मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो चलिए फिर इसका संश्लेषण करते हैं। इसके संश्लेषण करने के लिए हमें ऑर्थोटोलुइन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया PCl5 से कराते हैं। तो सल्फोनिक अम्ल तो ये क्या है? ऑर्थोटोलुइन और सल्फोनिक अम्ल, इसकी क्रिया जब हम PCl5 से कराते हैं तो PCl5 में Cl कितना है? 5। तो एक Cl हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन से जुड़ के क्या किसका निर्माण कर देगा? HCl का। और साथ ही इसमें कितने Cl और बचे? 4 Cl, जिसमें से 3 Cl और एक फास्फोरस मिलकर और एक ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, जिसके फलस्वरूप POCl3 का निर्माण हो जाएगा। अब कितना बचा? 1 Cl बचा, जो कि कहाँ पर जुड़ जाएगा? सल्फर पर जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ऑर्थोटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण हो गया। जब इसकी क्रिया हम NH3 से कराते हैं, अर्थात एमीन से कराते हैं, तो ये एमीन कहाँ पर जुड़ेगा? सल्फर पर जुड़ेगा। सल्फर जुड़ने के लिए यहाँ से किसका क्लोरीन का निकलना जरूरी है, और क्लोरीन के निकलने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन का यूज़ होगा, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा? HCl का निष्कासन हो जाएगा। HCl के निष्कासन से ये NH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। अभी क्या हो गया? ऑर्थोटोलुइन सल्फोनेमाइड का निर्माण हो गया। अब इसका क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति को कौन कराता है? ऑक्सीकारक करवाते हैं, और यहाँ पर हम ऑक्सीकारक के रूप में क्या लेंगे? KMnO4, जो कि किसका कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसके साथ ही हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन भी कौन सा? परमाणु विकृत। इसकी कितनी मात्रा हमें आवश्यकता होगी? तो इसमें देखेंगे ऑक्सीजन कहाँ पर होगा? इस कार्बन पर होगा। इस कार्बन ऑक्सीजन कराने के लिए यहाँ पर कितने का ऑक्सीजन जोड़ देंगे? 2 ऑक्सीजन जोड़ देंगे, और साथ ही एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा। कितना हाइड्रोजन का निष्कासन होगा? 2 हाइड्रोजन का, और एक ऑक्सीजन से यहाँ से निकल जाएगा, जिससे किसका क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। और फिर ये बेंजीन वाले, ये SO2, और ये क्या है? NH2। अब इसके जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा कि यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा, और यहाँ से दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? H2O का, जल का निर्माण कर देंगे, जिससे यहाँ पर क्या बन जाएगा? बंध बन जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य। डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। अभी क्या हो गया? यहाँ पर H2, एक हाइड्रोजन। अब ये क्या है? जल में अघुलनशील होता है, जिसके कारण से जल में घुलनशील बनाने के लिए इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? NaO से कराएंगे, जिससे इसमें क्या होगा? सोडियम लवण का निर्माण हो जाएगा। सोडियम लवण का निर्माण कहाँ पर होएगा? यहाँ पर।
इसमें से क्या होगा, एक आयरन का निष्कासन हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, OH का निष्कासन हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप -H2O और इसमें क्या जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा। एन ए पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। यह क्या है, जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सैक्रीन कहते हैं। जो ही कृत्रिम मधुरक होता है। तो इसका दूसरा यौगिक देखते हैं, सल्फापिरिडीन। सल्फापिरिडीन का निर्माण करने के लिए हम एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड का उपयोग करेंगे। एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया जब हम 2-aminopyridine से कराते हैं, ये क्या है, पिरिडीन, इसमें दूसरी सतह पर जुड़ा हुआ है एमीन, इसकी क्रिया कराते हैं तो इससे क्या होता है, HCl का निष्कासन हो जाता है। साथ ही जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो इसकी क्रिया हम H3O से कराते हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें से CH3COOH का भी निष्कासन हो जाता है और क्या प्राप्त हो जाता है, सल्फापिरिडीन प्राप्त हो जाता है। सल्फापिरिडीन NH2 ये क्या है, सल्फापिरिडीन। ये जो सल्फापिरिडीन होता है, ये सल्फर की औषधि होती है और इसका उपयोग निमोनिया के उपचार में किया जाता है। निमोनिया के उपचार में किया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत अधिक विषैला होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम तीसरा यौगिक देखते हैं, सल्फाथायोन। सल्फाथायोजोल होता है, इसके इसके नाम के लिए हम एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड क्रिया 2-aminopyridine से कराते हैं। नहीं, सल्फाथायोजोल का निर्माण करने के लिए हम एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया 2-aminosulfathiazole से कराते हैं। सल्फाथायोजोल सल्फर, यहाँ पर नाइट्रोजन, दूसरी स्थिति पर यह नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये एमिनो जुड़ गया। इसकी क्रिया जब हम इससे कराते हैं तब क्या होता है, इससे एक HCl का निष्कासन हो जाता है, अतः साथ ही जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तब क्या हो जाता है, सल्फाथायोल का निर्माण हो जाता है और इसमें CH3COOH का भी निष्कासन होता है। ये क्या है, सल्फाथायोजोल, ये भी एक सल्फर औषधि होती है, लेकिन यह सल्फा पिरिडीन की तुलना में कम विषैली होती है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब निमोनिया की बहुत अधिक संक्रमण हो जाता है, तब इस सल्फर औषधि का उपयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका चौथा यौगिक देखते हैं, जो क्या है, सल्फा डाइजीन।
सल्फर डाइजीन का निर्माण करने के लिए हम वही वापस एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया किससे कराते हैं, 2-एमिनो पिरिमिडीन से कराते हैं। पिरिमिडीन में कितने नाइट्रोजन होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं। इसमें सेकेंड पोजीशन पर क्या जुड़ेगा, एमिनो ग्रुप जुड़ेगा, यह तो उसकी दूसरी पोजीशन। यहां भी वही सेम HCl का निष्कासन हुआ और इसका जब हम जल अपघटन करेंगे तो H3O का योग करेंगे और इसमें से साथ में क्या निकलेगा, CH3COH। CH3COH निकलने से इसमें जो कंपाउंड बनेगा वही हमारा क्या होगा, सल्फर डाइजीन होगा। यह भी क्या होता है, सल्फर की औषधि होती है तथा यह भी निमोनिया के उपचार में काम में ली जाती है। यह बहुत कम संक्रमण होने पर इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह बहुत कम विषैली प्रकृति की होती है। तो इसका पांचवा यौगिक देखते हैं जो ये क्या है, सल्फोनिलेमाइड। सल्फोनिलेमाइड का निर्माण करने के लिए वापस से वही लेंगे एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, इस बार सांस एन एच से कराएंगे। सांस एन एच थ्री से कराएंगे तो क्या होगा, इसका क्लोरीन निकल जाएगा और हाइड्रोजन के साथ निकलेगा जिससे किसका निष्कासन हो जाएगा, HCl का। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, अमोनिया जुड़ जाएगा जिससे CH3 C डबल बॉन्ड O CNH बेंजीन वाले SO2 NH2। इसका जब हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे जिससे क्या निष्कासन हो जाएगा, CH3 COOH का निष्कासन हो जाता है और किसका निर्माण हो जाएगा, सल्फोनिलेमाइड का निर्माण हो जाएगा। ये क्या है, सल्फोनिलेमाइड। यह भी एक सल्फा औषधि है जिसका उपयोग निमोनिया के उपचार में किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आगे BSCA क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।